के बगैर तो हम जा नहीं सकते। सो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस फाइनली आज बहुत टाइम बाद हम एक ट्रिप बनाने वाले हैं, और हम ट्रिप बना के कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। हम जो जा रहे हैं ना वो गाइस जा रहे हैं हम खाटू श्याम बाबा मतलब राजस्थान जयपुर। वो भाई इस ट्रिप में मज़ा ही आने वाला है क्योंकि हम रात के टाइम निकल रहे हैं, पूरी रात गाड़ी ड्राइव करेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या क्या सीन आने वाला है हमारे साथ, क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। गाड़ी में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है, हल्की मुल्की मेजर गड़बड़ है गाड़ी में, वो देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स देती है। और मैं गोरा कितना लग रहा हूँ भाई, गोरा बहुत हो गया इसमें क्योंकि पूरे दिन घर पर ही रहता हूँ, तो भाई गोरा और टाइम मिल नहीं रहा है, तो वीडियो बहुत कम आ रही है। और गाइस हम निकलने वाले हैं शाम के 6:32 पे, और कपिल भैया का वेट करा जा रहा है। और जा कौन कौन रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन जा रहा है हमारे साथ। हम, मैं और कपिल भैया, हम सिर्फ दो लोग जा रहे हैं क्योंकि वो भी गाड़ी चला लेते हैं, मैं भी चला लेता हूँ, तो फुल नाइट गाड़ी चलाएंगे। खाने को हम यहाँ रुके हैं क्योंकि हम अपनी गाड़ी के वाइपर डलवाने हैं, क्योंकि इनके बगैर तो हम जा नहीं सकते, तो ये ख़राब हो चुके हैं पहले हमारे, तो इसलिए अपनी नाइट डलवाएंगे। तो ये भैया वेट कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, मतलब अपनी एडिटिंग कर रहे हैं, देखना यार। गाइस पहली टंकी फुल करवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, अब देखते हैं इस टंकी में ये गाड़ी कहां तक पहुंच पाएगी। हम फुल करवा लेंगे, मुरादाबाद से निकले हैं जस्ट, और इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प पे हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है राजा जी ढाबा खाने के लिए। अब करेंगे हम यहाँ पर डिनर, और यहाँ से डिनर करने के बाद निकलेंगे। टाइम हो रहा है 8:30, कितना टाइम हो गया, 9:30 का टाइम होने वाला है। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम के आधे रास्ते, मतलब खाटू श्याम को जो डिस्टेंस बचा है वो 99 किलोमीटर, और यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया है चाय के लिए क्योंकि मेरे को हल्की हल्की नींद महसूस हो रही है। टाइम देख सकते हो आप 3:35, गाइस फील हो रहा है नींद का हल्का हल्का महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैं ड्राइव करूँगा करीबन 1 से 1.5 घंटे, 5 बजे के लमसम में गाड़ी दूँगा भैया को चलाने के लिए, जब तक मैं उन्हें सोने के लिए भाई तो ही जाए, क्योंकि कल दिन में गाड़ी वही चलाने वाले। तो गाइस अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक ओवरटेक कर रहा था, गाड़ी मैंने खुद काटी भी नहीं, खुद गाड़ी इधर को आ गई अपने आप बगैर काटे, सामने से गाड़ी आ रही थी ऐसी, ओवरटेक कर रहा था रिस्की वाला, और बगैर गाड़ी काटे खुद अपनी साइड आ गई, पता नहीं चला। मैं तो ऐसी स्टेयरिंग पकड़ रहा था, गाड़ी अपनी साइड नीचे पहुंच गई खुद ही। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम रिंगस, और टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 5:14, और रोड के हालात बहुत गंदे कहीं कहीं, और यहाँ से निशानी उठा के आदमी पैदल जाते हैं 18 किलोमीटर या 14 किलोमीटर, कन्फर्म नहीं है मेरे को, बट है इतना ही आसपास झंडा। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं दर्शन करने के लिए बाबा के, और अब चलते हैं। ये हमने रूम ना, ये जो लिया है रूम का रेंट बता दें हम कितने का है, 8,000 का रूम है गाइस, अगर लेना है तो ले सकते हो। और ये रही की रूम की, और ये अपनी गाड़ी की है, यहाँ से मंदिर जो है सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर, और चलते हैं गाड़ी पार्किंग पर लगा देंगे, वहाँ से गाड़ी उठा के गाड़ी खड़ी करके सीधे चलेंगे दर्शन करने के लिए, और आपको भी करवाएंगे कपड़े यार धन्नो। और ये हमारा होटल हनुमान प्लेस, ये है। तो गाइस ये देख सकते हो कितनी पब्लिक है भाई, अल्टीमेट पब्लिक आती है, अल्टीमेट दर्शक आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और घर वाले ये बोलते हैं कि तुम्हारे अलावा कौन जा रहा है, और यहाँ के पता चलता है यहाँ तो कायनाती पलटी हुई होती है, नेक्स्ट लेवल। बोलिए लाज बचाने वाले की, बोलिए हाथ पकड़ने वाले की, बोलिए खाटू बुलाने वाले की। जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली हम लाइन में लग चुके हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और अब आपको दिखाएंगे कैसे खाटू श्याम, सामने देख सकते हो आप तस्वीर, फोकस चचा फोकस, ये देखो गाइस फोकस नहीं कर पा रहा, ये
यही है। हाँ गाइस ये सोच रहे हैं हम जिम में लगवाने के लिए अपना पंखा। है भाई लगवा दोगे? लगवाओ साले को, कहाँ मिलता है चेक करो। इसे ही चुरा लो, इसे निकाल लो। और ये कूलर, ये भी अच्छे हैं कूलर। इधर वो VIP दर्शन के लिए। अब यार VIP हम इतने हैं नहीं जो VIP दर्शन करेंगे, नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो भाई यही लाइन अपने लिए बेस्ट है। अब ये देखो वहाँ पर लाइन लग चुकी है, अब यहाँ खुलेंगे दरबार, मज़ा ही मज़ा आएगा। तो भाई गुरुकुल मंदिर में आ चुके हैं अंदर। तो भाई फाइनली दर्शन हो चुके हैं, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आपने आगे की ओर, और यहाँ से चलेंगे सीधे अपने होटल पे। गाइस फाइनली हम दर्शन करके निकल चुके हैं, अब अपने जूते पहनने और सीधे चलना है अपने होटल में। वहाँ पे 2-4 मिनट रेस्ट करेंगे और फिर अपने घर के लिए वापस निकल जाएंगे। अगर आपको भी आना है ना भाई, आ जाना भाई, अल्टीमेट दर्शन हुए, एक नंबर वाला सब कुछ सीन। VIP की ज़रूरत नहीं थी, ऐसी सिंपल में ही काफ़ी टाइम, क्योंकि भीड़ इतनी थी नहीं अभी, सुबह के टाइम जब हम आए थे जब बहुत भीड़ थी। और जब शॉपिंग वगैरह करनी है आप लोगों को तो कर सकते हो आराम से, मस्त। बढ़िया, हमें तो 2-3 सामान लेके जाने हैं, जहाँ से सूझ रखा है प्रसाद लेके जाना है, बस वहीं से अपने प्रसाद ले लेंगे, एक दो झंडे ले लेंगे सीधे घर पर, क्योंकि मेन टारगेट जो था हमारा खाटू श्याम माने पे का, बाबा के दर्शन के लिए जो हमने कर लिए। राजस्थान की गर्मी तो यार फेमस है ही, आज पता भी चल गया। कैसा फील हो रहा है? बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। और एक तो हमारे साथ बकचोदी हो गई थी, हम बाहर निकल गए बिल्कुल, जूते हमारे अंदर, दोबारा रिटर्न में जाना पड़ा। तो एक ये ले लिया है मैंने मंकी, इमू के लिए, भूत है, सॉरी मंकी नहीं भूत, इतना पहन के खिंचवाएंगे फोटो। इस गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भक्का मार रही है, तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और अब निकलने वाले हैं हम घर पे, 10:57 पे हम घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हम स्पेशल आए जो थे सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। बाबा के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो चुके हैं और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, और रास्ते में जो भी मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। तो भाई गर्मी बहुत है, राजस्थान की गर्मी ना अलग ही लेवल है, नेक्स्ट लेवल गर्मी पड़ रही है राजस्थान में। आराम है गाड़ी के अंदर, आराम है एसी में, आराम है, बट गाड़ी से बाहर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस हम राजस्थान में घूम रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा, बट स्त्री बड़ी स्त्री दिख रही है, स्त्री 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 मूवी देख ली थी क्या तुमने? स्त्री यही तो, जब तो स्त्री दिख रही है, जा भी देख रहे हैं ना वही स्त्री स्त्री। आना जावे मुंह पे। राजस्थान में घूम रहे हैं, मतलब व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू यार। तो रात में आने का और दिन में जाने का ये फायदा होता है कि दिन में तुम्हें ब्यूटी पता चलता है कि क्या ब्यूटी है नेचर की। वाह मजा आ गया यार, रात में तो पता ही नहीं चला कब आ गए और क्या निकल गया, क्या निकल गया। और अब देखो क्या व्यू है, अलग ही लेवल आ रहा है। हमें कभी देखने को मिला नहीं ये सीनरी यार। हम रुके हुए हैं हाईवे, एक नेशनल हाईवे निकला हुआ है, यहाँ पर रेस्ट रूम में, और भाई एक नंबर बना रखा है सब कुछ है, वॉशरूम, पूरा वॉशरूम ये है, पूरे इन सब चीज़ों का एक वॉशरूम है। और ये होटल टोपस, क्या है यहाँ पे? टोपस स्पेशल पराठा, पाव भाजी, छोले भटूरे, मसाला डोसा। हाँ तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं रेस्ट एरिया से,
और अब हम जो स्टॉप लेंगे ना 2 घंटे बाद लेंगे, अभी हमारा डिस्टेंस बहुत काफ़ी है भाई, अभी 300 किलोमीटर के आसपास है हमारा घर। और भाई साहब मज़ा आ रहा है, देखो फुल मौज ले रहे हैं फुल।